जीवन में खुशी है क्या? खुशी एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही मन में पॉजिटिव फीलिंग आनी शुरू हो जाती है। जब खुशी आती है तो जीवन में प्रत्येक कार्य में मन लगता है। जीवन में कोई भी कार्य यदि सही तरीके से करना है तो खुशी के बिना हो ही नहीं सकता। लेकिन आजकल यह देखने में आ रहा है कि लोगों के दिल से खुशी कहीं गैप सी हो रही है। लोग अपने जीवन में बस काम किए जा रहे हैं लेकिन उसमें हैप्पीनेस का नामो निशान तक नहीं है। इसलिए लोगों के कार्य भी सही तरीके से पूरे नहीं हो पा रहे हैं, यदि हो भी रहे हैं तो बहुत देर से, क्योंकि बिना खुशी के किसी काम में मन नहीं लगता और जिस काम में मन नहीं लगता वह समय पर पूरा हो ही नहीं सकता। इसलिए आजकल लोग अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए खुशियों की तलाश में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है खुशियों को खोजा नहीं जा सकता। खुशियों तो खुद ब खुद आती हैं, लेकिन सवाल यह है कि कैसे जीवन में खुश रहा जा सकता है। हाउ टू बी हैप्पी इन लाइफ। दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए पहले यह जरूरी है कि यह जाना जाए कि खुशी है क्या, व्हाट इज हैप्पीनेस। तो आइए जानते हैं खुशी का मतलब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हैप्पीनेस। खुशी क्या है? खुशी की बहुत सारी डेफिनेशन दी गई है। कुछ लोग कहते हैं हैप्पीनेस इज ए चॉइस, उसका कहना है हैप्पीनेस इज ए जर्नी। लेकिन मेरे हिसाब से यदि जीवन में वह मिल जाए जिसे आप चाहते हैं तो उसे मिलने वाली पॉजिटिव फीलिंग को ही खुशी कहते हैं। अर्थात जीवन में अपनी मनपसंद चीज़ों को मिल जाने से जो पॉजिटिव फीलिंग होती है उसे ही खुशी कहते हैं। दूसरी तरफ सेटिस्फैक्शन भी हैप्पीनेस लेकर आता है। यदि आप अपने जीवन में संतुष्ट हैं, यदि आपके पास जो भी है उसको लेकर यदि आपके अंदर पॉजिटिव इमोशन आते हैं उसे भी खुशी कहते हैं। ऊपर बताई गई सभी बातों से यह क्लियर होता है कि जीवन में खुशी पाने के लिए आपकी फीलिंग को, आपके इमोशन को, आपके एक्सपीरियंस को पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास जो नहीं है उसको पाने के लिए प्रयास ना करके उसको पाने के लिए भटकते रहना अनहैप्पीनेस है। इसके विपरीत जो आपके पास मौजूद नहीं है उसे पाने के लिए सही दिशा में प्रयास करके उसे पा लेना ही खुशी है, प्रसन्नता है। जहाँ मजे की बात यह है, जब हम किसी चीज़ के पाने के लिए सही दिशा में कार्य कर रहे होते हैं तब भी हमें खुशी का अनुभव होता है, क्योंकि हमें पता है हमारा अपनाया गया सही रास्ता है, उसकी दिशा सही है। अंत हमें विश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है कि हमें लक्ष्य तक जरूर पहुँच पाएंगे। यही सेल्फ कॉन्फिडेंस ही खुशी को जन्म देता है। इसी समय आपकी फीलिंग, आपके इमोशन और आपके एक्सपीरियंस एक पॉजिटिव इमोशन में, पॉजिटिव पोजीशन में होते हैं। लेकिन इसके विपरीत यदि हम कोई चीज़ के पाने के लिए गलत दिशा में भटक रहे होते हैं उस समय आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस नाम की कोई चीज़ नहीं होती और आपके ऐसे रास्ते पर चलते समय आप खुशी महसूस कर ही नहीं सकते। इस समय आपकी फीलिंग, आपके इमोशन, आपके एक्सपीरियंस एक नेगेटिव पोजीशन में होते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको जीवन में खुशी पाने का तरीका बताता हूँ जो ऊपर बताए गए सभी तरीके से अलग है। अभी तक मैंने आपको बताया है कि अपनी मनपसंद चीज़ को पा लेना खुशी है, लेकिन जब तक आपको आपकी मनपसंद चीज़ मिल नहीं जाती तब तक आप उन चीज़ों से भी खुशी प्राप्त कर सकते हैं जो आपके पास मौजूद है। आपके पास बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जैसे घर, परिवार, मनपसंद वस्तुएँ, बहुत सी ऐसे पुराने अच्छे अनुभव जिससे आप रियल हैप्पीनेस को महसूस कर सकते हैं। जैसा भी आपके पास है आप ही के हैं। किसी ने ठीक ही कहा है, आपके पास जो नहीं है उसके लिए भटकते रहना मूर्खता है। जो आपके पास मौजूद है उनमें खुशियों को पा लेना ट्रू हैप्पीनेस है।